नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल पर। आज के इस एपिसोड में आप सबको शारदीय नवरात्रों के महत्व और उसमें किए जाने वाले अमोघ उपायों की चर्चा करने जा रहा हूं, जिनसे भक्तों के सारे मनोरथ बड़ी सरलता से पूरे हो जाते हैं। यह तो हम सब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रों में भगवती दुर्गा जी की पूजा की जाती है और उनको प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। नवरात्रे में माँ भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। अनेकों लोग व्रत रखते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। इस बार के नवरात्रे में यदि आप माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं, तो पान के पत्ते वाले 9 उपाय बताने जा रहा हूं। सबसे पहला उपाय है, नवरात्रे में जिस दिन मंगलवार हो उस दिन हनुमान जी के सामने पान के पत्ते पर सिंदूर से श्री राम नाम लिखकर श्रद्धा सहित उन्हें समर्पित कर देना चाहिए। पान अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि पान उनके चरणों में नहीं रखना। इस उपाय से आपके कार्यों में आ रही सभी समस्याएं दूर होती नजर आएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का संचार होने लगेगा। दूसरा उपाय है, यदि घर में कलह उत्पन्न हो रहा है या घर में संकट उत्पन्न हो रहा है तो नवरात्रों में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर माँ दुर्गा को समर्पित कर देना चाहिए। दुर्गा स्त्रोत या दुर्गा जी के नामावली का पाठ करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगेगा, जो समस्या चल रही थी वो खत्म होने लगेगी। और तीसरा उपाय है, नवरात्रों में प्रातः है 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में माँ भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करें और पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी वाणी और खूबसूरती में वृद्धि होगी और आकर्षण जो शक्ति होती है वो आपकी बढ़ती नजर आएगी। चौथा उपाय है, नवरात्रों में शुरुआती 5 दिनों में प्रतिदिन 1 पान के पत्ते पर श्री लिखकर माँ दुर्गा को समर्पित करें। इसके बाद महानवमी के बाद उन 5 पान के पत्तों को अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। इस उपाय से दरिद्रता और आर्थिक तंगी से आपको अवश्य छुटकारा मिलेगा। और 5वां उपाय है, यदि धन संबंधित कोई परेशानी आपको सता रही हो तो नवरात्रों में 1 पान के पत्ते पर गुलाब की पंखड़ियां रखकर माँ दुर्गा को समर्पित करें तो धन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं माँ दुर्गा उनका निवारण करेंगी। और 6ठा उपाय है, नवरात्रों में मंगलवार को 1 साबुत पान का पत्ता लेकर उसमें लौंग और इलायची रखकर उसका बीड़ा बना लें, फिर हनुमान मंदिर में जाकर यह बीड़ा उनको अर्पित कर दें। इससे अगर आपको कोई कर्ज आप पर चल रहा हो तो 100% कर्ज से मुक्ति मिलती है। और 7वां उपाय है, यदि आपके दिल में कोई अभिलाषा कई सालों से अधूरी पड़ी हो, पूरी होती नजर नहीं आ रही हो तो नवरात्रों में किया गया यह उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। 1 पान के पत्ते पर, ध्यान से सुनिएगा, 1 पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर दोनों हाथों से
उसे जल में प्रवाहित कर दें। जितनी भी पुरानी इच्छाएं दबी रह गई हैं वह जल्दी ही आपकी पूरी होंगी। और आठवां उपाय है, यदि नौकरी में, प्रमोशन में, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बार बार प्रयास करने पर भी असफलता हाथ लग रही है, अड़चनें आ रही हैं, तो नवरात्रों में ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। क्या? पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं और उसे माँ दुर्गा को समर्पित कर दें। इसके बाद पान के पत्ते को घर पर लेकर के आए और सिरहाने रख दें सोते समय। अगले दिन सुबह उठकर पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रखाएं। ऐसा करने से सभी समस्याएं जो चल रही थी, जो कार्य में रुकावटें पैदा हो रही थी, उनमें प्रगति आने लगेगी। और नौवां उपाय है, यदि आप अपने व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो नवरात्रों के 9 दिनों तक एक ही समय, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि एक ही समय होना चाहिए, पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के चढ़ाने से व्यापार में जितनी भी समस्या चल रही थी वो दूर होती नजर आएंगी। माँ की कृपा से आपके जितने भी व्यापार में समस्याएं थी वो अवश्य दूर होंगी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि समय एक ही होना चाहिए, अन्यथा फल में कमी आ सकती है। आशा है शारदीय नवरात्रों में मनोकामना सिद्ध करने वाले इन उपायों से आप अपने जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं को दूर कर सकेंगे और अपने मनोरथ पूर्ण कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।